नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। कौशाम्बी जिले के मंझनपुर नगर पंचायत मंझनपुर में प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छता मिशन अभियान को जिम्मेदार ठेंगा दिखा रहे हैं। अधिशासी महिला अधिकारी और चेयरमैन के बीच उठे विवाद में पिछले एक माह से कस्बे की साफ सफाई पूरी तरह से प्रभावित है। कस्बे की अधिकांश नालियां चोक कर गई हैं। जगह जगह फैली भीषण गंदगी स्वच्छता मिशन अभियान को पलीता लगा रही है। आरोप है कि पिछले दो माह से वेतन न मिलने के कारण नगर पंचायत के सफाई कर्मियों ने काम करना बंद कर दिया है। अधिशासी महिला अधिकारी अंकिता पटेल का सीधा आरोप है कि सफाई कर्मचारियों के भुगतान के लिए मेरे द्वारा बिल तैयार कर चेक नगर पंचायत अध्यक्ष महता बालों को भेजा गया, लेकिन अध्यक्ष ने भुगतान करने से साफ मना कर दिया। नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा भुगतान न किए जाने की बाबत अधिशासी महिला अधिकारी ने कहा कि जिलाधिकारी समेत निदेशालय को पत्र लिखा है। दरअसल एक माह पहले अधिशासी महिला अधिकारी अंकिता पटेल ने नगर पंचायत अध्यक्ष महताब आलम समेत उनके छह साथियों के खिलाफ मंझनपुर कोतवाली में सरकारी योजनाओं में धोखाधड़ी व जान से मारने की धमकी दिए जाने का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद से बौखलाए नगर पंचायत अध्यक्ष ने सभी सफाई कर्मियों का भुगतान रोक दिया है, जिससे पूरे कस्बे में गंदगी का अंबार लग गया है। इस पूरे मामले में जब हमने नगर पंचायत अध्यक्ष से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया। कर्मचारी ऑफिस में काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा अभी कल ही की बात है कि मैं ऑफिस में बैठी थी तो अध्यक्ष जी आए और सफाई जो कर्मचारी के नारे थे उन लोगों को बुला करके बोले कि कल से कोई काम नहीं करेगा। तो इसके लिए मैंने फिर भी मैंने स्वच्छ भारत मिशन की चेकें रख दी तो उसमें बोले कि कुछ नहीं काम होगा, सारी व्यवस्था। हालाँकि मैंने जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशन पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने सभी वार्डों में सफाई व्यवस्था के लिए टीम गठित कर दी थी। मैं सारे कर्मचारी सफाई कार्य अच्छे से कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनका भुगतान दो महीने का भुगतान बकाया हुआ है। तो कई बार उन्होंने इस भुगतान के लिए हम लोगों से कहा तो मैंने इसका 8 जून को मैंने 2 महीने का भुगतान बना करके अध्यक्ष जी को चिट्ठी दे दी, लेकिन अब कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा, इसलिए वो थोड़ा सा काम करने में आनाकानी कर रहे हैं।